ये भी मेरे सबसे पुरानी बिल्डिंग है, सबसे फर्स्ट बिल्डिंग जो है। आपका चश्मा बहुत बेकार लग रहा है। आपसे किसी ने राय मांगी? हाँ, मैंने तो खुद दे दी ना। ये वो नस्ल लगाई थी। चलो पता किस चीज की इंटरनेशनल प्लेयर है ये? बस मेकअप की इंटरनेशनल प्लेयर है ये। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज के व्लॉग में आपको रहने वाला है हमारा साइंस इंस्टीट्यूट, जो भी है वो आज मैं दिखाऊंगा आपको आज के व्लॉग में। सो बने रहे हमारे साथ, तभी आप देख पाओगे पूरा अच्छे से साई को मैंने खाना आज के व्लॉग में। सो अभी जो है हम खाना खाने जा रहे हैं। खाना खाने के आने के बाद हम आपको जो है अंदर जाएंगे, एंट्री करेंगे और उसके बाद हम पूरा बताएंगे आपको साई का। ऑटो हमें मिल चुके हैं, हम जा रहे हैं कहाँ जा रहे हैं हम खाना खाने। तो अभी जो है हम आपको उसके बाद आपको हम साई के सेंटर में भी लेके जाएंगे। और ये हमारा भाई शेखर भाई, इसने नया फ़ोन भी लिया, सॉरी आईपैड लिया, और ये पार्टी दे रहा है हमें ये आईपैड की। अभी जाके एंजॉय करो पटियाला की गलियाँ, पटियाला की रोड, ऐसा आपको किसी ब्लॉग में नहीं मिलेगा। जो है फाइनली हम वापस आ चुके हैं। खाना तो मिला नहीं क्योंकि जहां हम खाने जा रहे थे वहां पे जो था वो रेस्टोरेंट भी बंद हो गया था। तो अभी वापस आए हैं। तो अभी ये जैद भाई आपने, हम अभी इनके साथ विजिट करेंगे अपना साई को। और ये आपने इसको तो पता है, आपको हर वीडियो में आ जाता है फुटेज खाने। आपका फुटेज खाने आ जाता है ये। सो गाइस ये जो मेन गेट है का, तो यहाँ से एंट्रेंस है, तो यहाँ से अंदर जाते हैं, देखते हैं आगे एंट्री करवानी है सीधा सीधा। वैसे सर तो खड़े हैं हमारे। जैसे आप एंटर करते हो, एंटर करने के बाद आपको सीधा हॉकी का अरेना यहाँ पे दिखेगा। और यहाँ तो हम जा नहीं रहे अंदर क्योंकि अभी बड़ी धूप है। सो अभी देखते हैं हम आगे कहाँ जाते हैं। लाते हैं आपको अपने एक सीनियर से, रोहित भैया से। रोहित भैया आज NIS पटियाला में आए हैं और ये हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस है। सो उन्हें रुकने की इंस्ट्रक्शन आ चुकी है जो कि हम आगे जाने वाले थे। देख रहे हो आप कितनी ज्यादा धूप है यहाँ पे। मुझे लग रहा है ये हमें हॉकी का अरेना दिखाएंगे, है ना रोहित भाई? हाँ शायद से, लेकिन हम मरने वाले हैं इस धूप धूप बहुत है, मैंने चश्मा खरीद लिया। ये देख रहे हो आप, ये मुझे लग रहा है यहाँ का, क्योंकि मैं भी फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा हूँ साई को। सो ये जो बिल्डिंग मुझे दिख रही है, काफ़ी अच्छी बिल्डिंग दिख रही है मुझे। ये भी मेरे हिसाब से पुरानी बिल्डिंग है, सबसे फर्स्ट बिल्डिंग जो है मेरे हिसाब से यही है। तब यहाँ रोका गया, कोई इंस्ट्रक्शन देंगे सर, तो जो हमें पता चलेगा हम आपको बताएँगे। बस ये बताना था आपको। अभी जो हम पटियाला की लाइब्रेरी में जाने लगे हैं, तो अंदर से आपको दिखा देता हूँ। तो कुछ इस टाइप की लाइब्रेरी है, देख सकते हो आप। थोड़ा यहाँ पे हम वो ऊंचे नहीं बोल सकते, सो बाकी जो आप देख लो। अभी जो आपने लाइब्रेरी देखी है, 1 of 10 लाइब्रेरी है स्पोर्ट्स की, तो जो पटियाला में है। तो अभी जो हम आगे जा रहे हैं, आगे देखते हैं जो भी होगा वो आपको दिखाएंगे। अभी जो सर हम जा रहे हैं उसी साइड जो है बॉयज़ हॉस्टल भी है, तो वो मुझे इसलिए ऐसा पता चला क्योंकि वहाँ पे जो आपको बोर्ड दिख रहा होगा, ये बोर्ड है, तो यहाँ सिंद्रिया बॉयज़ हॉस्टल है, वहाँ पर तो हम जा नहीं सकते। तो आगे देखते हैं, ये रहा बॉयज़ हॉस्टल आपका। भैया गैज, आप नहीं जानते होंगे हमारे MPH के जो है CR हैं, सो हमारे सुपर सीनियर भी आप बोल सकते हो एक साल से। तो अभी जो है ये अभी विजिट करके आए हैं लाइब्रेरी जो मैंने आपको बताई कि 10 लाइब्रेरी है स्पोर्ट्स की। सो इनसे हम थोड़ा एक्सपीरियंस पूछते हैं, कैसी लगी आपको लाइब्रेरी सर? जो लाइब्रेरी है तो सर आपका चश्मा बहुत बेकार लग रहा है। आपसे किसी ने राय मांगी? मैंने तो खुद दे दी ना। ये वो बच्चे होते हैं ना जो मतलब जिनको बस खाली आना होता, कुछ भी बोल के आ जाते हैं। इनसे किसी ने कोई राय नहीं मांगी, ठीक है? तो मैंने अपनी राय आपको दे दी ना। हमें आपकी राय नहीं चाहिए। हाँ, तो, हाँ, तो हम भैया से पूछ रहे थे कि लाइब्रेरी जो है, लाइब्रेरी आपको कैसी लगी स्पोर्ट्स की? जो लाइब्रेरी का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत ही बढ़िया है। एक्चुअली जो है हमें, मुझे एक्चुअली वहाँ पे जो पसंद आया वो बुक का ही, क्योंकि काफी ज्यादा बुक्स है। अगर मतलब
इतनी ज्यादा बुक्स मैंने नहीं देखी किसी लाइब्रेरी में। हर एक किस्म की बुक्स थी, हाँ हर गेम की बुक्स थी, जैसे आपने देखा होगा कुछ शॉर्ट में। हमारी क्लास की सबसे छोटी लड़की से बुलाते हैं, इनसे तो मिले होगा आप अभी पिछले वाली वीडियो में। ये देखिए रूपाली, ये इंटरनेशनल प्लेयर है फुटबॉल की, ठीक है। अभी इसने ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी लगाई थी, चलो पता किस चीज की इंटरनेशनल प्लेयर है ये, बस मेकअप की इंटरनेशनल प्लेयर है ये। यार देखो यार खूबसूरती देखो यार, आप इस लड़की की कैसे बता रहे हो। लड़कियां मेकअप है तो लड़कियां करेंगी, मुड़े हो रहे यार मेकअप। यार मैंने बोला नहीं था मेकअप का, ये तो खुद राज इसने खोल दिया, ठीक है। मेकअप का करने वाली चीज है, लड़कियां ही करेंगी यार। गुस्से से कि प्यार से बोलो, प्यार से लड़कियां करेंगी। मैं इसे दिखाऊंगा एक्सपीरियंस जो है, मैं बाहर जाके आपसे करता हूं, ठीक है। अभी आप शॉट देख लेना जो जो भी होंगे। अभी जो मैंने आपको मशीनों के जो मैंने शॉट दिखाए हैं, उन मशीनों से टेस्टिंग वगैरह होती है, ठीक है, बॉडी की पूरी। सो मैंने वो शॉट लिए हैं, मैं आप करके देख सकते हैं, वीडियो पढ़ सकते हैं उसमें क्या क्या जो है एक्टिविटीज़ होती हैं, जो टेस्ट कौन कौन से टेस्ट वहाँ पे मेजर किए जाते हैं। देखो यहाँ पर बास्केटबॉल कोर्ट वगैरह, सो बाकी बड़ा अच्छा जो है लगा मुझे ये। सो गाइस ये रही जिम, और यहाँ पे आप देख सकते हैं सामान। बच्चे यहाँ वेट से कर रहे हैं। सो इरफान भाई जो है हमारे मेरे ट्रेनर भी हैं, अब मुझे ट्रेनिंग वगैरह भी करवाते रहते हैं। सो इनसे भी हम पूछते हैं कि आपको कैसी लगी टेक्नोलॉजी में यहाँ की। बहुत बढ़िया जिम थी सर, कंडीशनिंग के लिए, स्ट्रेंथनिंग के लिए, फिर आपका मसल के लिए, काफी मशीन है जो यहाँ पे, मतलब हर एक मशीन है यहाँ पे। एटमॉस्फेयर देखा होगा, एनवायरमेंट देखा होगा आपने अंदर की। अगर कोई बंदा बिगिनर भी जाता है ना, उसको भी मतलब की अंदर से मोटिवेशन आएगी की वो भी जिम करे। और हर एक चीज, हर एक मशीन यहाँ पे है, हर एक एक्सरसाइज। सो यही था जो मैंने आपको दिखाना चाहता था टेक्नो जिम का। सो ठीक है, फिर आगे आप देखते हैं जो हम दिखाएंगे वो आपको दिखाएंगे। सो गाइस सुबह से एक जो है मेरी फ्रेंड है, वो बेचारी बोल रही है कि मैंने व्लॉग में आना, लेकिन उसे मैं बोल रहा हूँ कि तुम्हें स्पेशल लाइन ले जाएगा। सो इसकी शक्ल देखो, अगर आपको इसकी शक्ल अच्छी लगी तो लाइक शेयर और कमेंट कर देना, ठीक है। कमेंट करके जरूर बताना कि इसकी शक्ल कैसी है, अब मैं आपको उसका फेस रिवील करता हूँ। सो ये रही हमारी, हम इस चीड़ी बोलते हैं लेकिन इसका नाम है बंदना, ठीक है। और ये यहाँ पे कहाँ पे तुमने कोर्स किया था साई का? बैंगलोर। ये खो खो की कोच भी है, मतलब कोच नहीं है अभी, बट करके आ चुकी है ये सर्टिफिकेट कोर्स। सो अभी जो आगे जब ये इसकी पोस्टिंग वगैरह हो जाएगी कोचिंग में, सो ये कोच भी लाई जाएगी, उसके बाद हम इसे पार्टी लेंगे जो ये देती नहीं है। सो आपको कैसा लगा ये पटियाला वाला, अच्छा है या अगर कंपेयर करो आप कहाँ का, बेंगलोर का, तो कौन सा अच्छा लगा आपको? बेंगलोर का बहुत ज्यादा अच्छा है। हाँ भाई, जो जहाँ जाता है मोहन को वो अच्छा लगता है। एक्चुअल में बेंगलोर का बहुत ज्यादा अच्छा है। चलो अगर हमें मौका मिलेगा तो हम वहाँ भी जाएंगे। हम जो है बाहर आ चुके हैं साई के, तो अभी जो जा रहे हैं हम रूम, और रूम जाके इस ब्लॉग को हम करेंगे एंड। सो अगर आपको ब्लॉग में कुछ अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कमेंट कर देना, ठीक है। बाकी हम मिलते हैं अब आपको रूम में। सो अभी जो है ऑटो पे जाएंगे, जैसे बस पे आए थे और ऑटो पे जाएंगे वापस। तो फाइनली हम बाय करते हैं साई को।
सो गाइस फाइनली हम जो है वापस पहुंच चुके हैं अपने जो है रूम में। सो अभी जो है यहाँ पे हम अपना आज का व्लॉग करते हैं समाप्त, क्योंकि जो है काफ़ी थक चुके हैं और पूरा दिन आपने देखा ये कैसे गुजरा है। सो अभी जो है मिलते हैं आपको अगले व्लॉग में कुछ नए कंटेंट के साथ। सो अगर इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कमेंट कर देना, कमेंट करके जरूर बताना कि कैसा लगा आपको व्लॉग। सो मिलते हैं आपको अगले व्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय।